हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर अली। तो आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ रिवॉल्वर रानी की वीडियो पे। रिक्वेस्ट आ रही थी उनकी काफी, तो मैंने कहा इनकी वीडियो पे रिएक्ट किया जाए। होप सो अच्छी हो, आपको भी अच्छी लगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार से ही आप बेस म्यूजिक जो होता है ना, हमेशा वीडियो में जान डालता है। आए हुए हाँ कमीज से बात कर, पतली मेरे पे आती है। आरे में क्या लियाकत से, खुद का घर तो तेरे से संभला को ना। बचपन से जमाने तक बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, और उसके बाद शर्मा जी ने अपने पीछे का कदे अंडरवेयर तक तल लिया को ना। मेरे पे असरी से यार एक्सप्रेशन है क्या उसके, तुझे दुनिया से रिहा कर दिया। वाह, ऐसे पाकर मुझे स्टाइल है। तूने मुझे मुझी से जुदा कर दिया। वाह यार एक्टर। जाबो आमी पागल होए जाबो, रे पागल होए जाबो आमी पागल होए जाबो। ओह यार यार कितने एक्सप्रेशन देती है। नहीं निकली घर से। हाँ, लेकिन अल्टरपंती करने को निकली है तू घर से। तू शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं। अभी एक ही लाइफ है। ऊपर से वो घुस रही है बीच में। गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा आएगा। यार अच्छी है। जल्दी माफी, तेरे ना प्यार की था इस गल दी माफी, जो तेरे ना ब्याह कराया इस गल दी माफी। ब्याह कराया स्टैंडर्ड ना मैं बैच नहीं हुंदी क्योंकि मैं पिंड च रहनी हूं। सॉरी बोल। यस आई फील द सेकंड स्टैंडर्ड। भाई ये अच्छी है। शेम शेम डम कायरा फील द सेकंड स्टैंडर्ड। इतनी शर्म की बात थी आपके लिए? हाँ कि आप ऑल द वे वापस आ गए इंडिया ओनली बिकॉज़ आई फेल्ड द सेकंड स्टैंडर्ड। और जब मैं फाइनली खुश थी पापी और नानी के घर में, मुझे वहां से भी ले गए, उनसे दूर कर दिया। वाह यार इतने लंबे डायलॉग को इतनी देर लेके चलना ना, किसी एक्टर का ही काम है तो ये एक्टर से कम नहीं लग रही। एक्चुअली बॉम्ब है मेरे पास। आर यू रेडी? आई हैव बिगन थेरेपी। Yes, मैं दिमाग की डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले तो सेव टू मी राइट। भाई साहब अच्छी है, अच्छी है। कुकु करा कौन मैं? क्या ओ भाई साहब क्लैप देना बोले। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। ओहो क्या बात है। फैमिली पॉइंट। आप मेरे दिल में कुछ यूं समाए। बात आया जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। ये क्या कह रही है? देना है तो दे बस। ओहो बाल जैक। ओ ओ ना 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 आ गया थी चल। अपना बापू स्वर्ग में राउंड क्या मारने गया, तेरे छोकरे लोग अपने एरिया में बहुत घुस रहे, तकलीफ हो जाएंगी तेरे को। अपनी ही दुनिया है अलग। मेरी मम्मी को क्या दिक्कत है, सारा टाइम बोलती रहेंगी उठ जाओ टाइम देखा है, उठ जाओ टाइम देखा है, उठ जाओ टाइम देखा है। अरे यार टाइम तुम खुद क्यों नहीं देख सकती हो, मुझे क्यों उठा रही हो टाइम देखने के लिए? खुद कैसे देख ले, आवाज नहीं है। लगता है शान से मारेगी या तू प्यार से मारेगी या रफ्तार से मारेगी। डिफरेंट भाई, कई एक्टरों से एक्टर बेहतर है। मैं देख लिया यार, अब जवाब दे दिया तो काम करना पड़ेगा। ये भी है आइडिया। ये लड़की गाने सुनती है वो भी लाउड म्यूजिक पे। हाँ। तो दूसरा किसने लगाया? आग लगा दे इस फोन को। भगवान
कहाँ रे तू आगे चित्र पता नहीं लगता की चोरियां कर दी है यार एक्सप्रेशंस में ना ये नंबर ले गई फेस चेंज जो किया ना इसने रिश्ता ही तो था यार टूट गया साथ ही तो था छूट गया दिल ही तो था किसी और पे आ गया पहले मैं अजनबी था फिर अपना बना आज कोई और अजनबी अपना बन गया इसके जो बाल है ना उसके दुपट्टे के जो है ना उसके साथ मैच कर बदल गया इंसान अंबर सर तू सूट समा के दिता माही ने सुनिया बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से ओहो ये सही रावण उसमें सही भी है ओहो क्लासिक है यार इतने लंबे डायलॉग को करती है पता नहीं कैसे करती है उलान से पसारे जिथे मी रुसावे साड़ी क्या की है ना ये गाना बड़ा सुना पाकिस्तान में इश्क तुम मेरा खुदा गए आशिक मेरा नाम ओए ओए आंखों में देखो अंजलि यार तू हंसते बहुत प्यारी लगती है बाद में वही रुलाते हैं जो पहले ये कहते हैं कि तू हंसते हुए बहुत प्यारी लगती है 100% आए तंजीर आशी के लिए वाओ मैंने कल देखा था बड़ा मजे का था ये क्या कर रही है बोलो रानी तू इतनी मोटी कैसे है क्योंकि मैं खाना बहुत खाती खाना चाहिए यार एंजॉय करना जी ओहो वाह अच्छी ट्रांजिशन ओ भाई साहब लेवल है यार उसके फेस पे देखो प्रॉब्लम्स आते हुए बाल झड़ जाते हैं फेस पे बॉयल्स बॉडी पे रैशेस हजारों इंजेक्शंस बस कभी भी हंसते रोते हुए यूरिन निकल जाता है क्योंकि ब्लैडर बेबी के वेट के वजह से होल्ड नहीं कर पाता फीवर कोल्ड कॉफ कुछ भी हो जाए मेडिसिंस ले ले सकते नहीं तो बेबी पर असर पड़ता पर इसमें कौन सी बड़ी बात है यार एक्टर पसंद के कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि कुछ फिट नहीं अपना फेवरेट खाना नहीं खा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है डिप्रेशन मूड स्विंग सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता है ताकि बाकी सबका मूड खराब ना हो लड़की का कमरा है कोई पंजाब मेल तो नहीं है कोई भी आवे कंबल लेने आए थे बच्चा कोई पाता है कोई खोता है मोहब्बत से बहुत
शिनाया बनी है। क्या कराने लगी है? कितना बदतमीज है ये। लड़की देखी नहीं और वही शुरू हो गया। घर पे क्या बोल के निकलता, खड़ी लेने जा रहा हूँ। क्या भी लड़कियाँ देखता है, कितना पागल है ना ये नालायक। पता नहीं मैं हूँ आदत से मजबूत। ओए ओए अच्छी थी उसके एक्सप्रेशंस, उसके डायलॉग की डिलीवरी, उसका फेस, उसमें वो मिल जाती है। पता नहीं कैसे, मतलब कितने इतने लंबे डायलॉग्स मैंने उसके देखे हैं, पता नहीं कैसे दे देते हैं। एक्टर से बढ़ के यार, एक्टर करते हैं वो, उनकी टेक्स होती हैं। ये अलग प्रोफेशनल नहीं है, उसने टिकटॉक से किया है। बहरहाल टिकटॉक ने अच्छा मौका दिया लोगों को। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी यार, इसके एक्सप्रेशन का तो मैं मतलब के देख के पागल हो गया हूँ। छोटी वीडियो थी मानता हूँ, पर बड़ी वीडियो निकालने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम। कि लंबी वीडियो 20 मिनट की, उसको देखें, उसको एंजॉय करें साथ, मजा आए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।